Subscribe and click the bell icon for all the television updates. नेहा एक बार फिर आ चुकी है एक ऐसे कपल्स के साथ जिसको आप बार बार ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो हमेशा देखना पसंद करते हैं। और आज मैं स्पेशली एक जगह आई हूँ जहाँ वो डिनर करने आए हैं, और सबसे पहले मैं आपको उनके ओनर से मिलाती हूँ जो ये सब कुछ संभालते हैं, और उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे ये जगह प्लेस प्रोवाइड की है। सो थैंक यू, यहाँ पे मीत है जिन्होंने थोड़े ही वक्त में मुझे बोल दिया यहाँ पे हाँ आने के लिए। मीत, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे ये प्लेस की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। वेलकम मैम, वेलकम। अच्छा मीत, स्पेशली यहाँ पूरा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, एक वन ईयर कंप्लीट हो गया है अभी रेस्टोरेंट को, एक ब्रांच नागपुर में हमारा। हाँ। तो अच्छा कर रहे हैं, अभी हमारा भी पास एंड ऑल हर जगह जाता है रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री में, तो अच्छा है, हम भी चाहेंगे कि ये लोग आते रहे। अच्छा मीत, अगर मैं यहाँ के स्पेशल खाने की बात करूँ तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है? कॉन्टिनेंटल एंड पंजाबी फूड अच्छा है, अच्छा फूड है हमारा, कॉन्टिनेंटल पंजाबी फूड में अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पे स्टार भी आए हैं वो पंजाब से ही हैं, दिल्ली से हैं, तो वो स्पेशली आए थे। नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करेंगे, छोले भटूरे है, देन पंजाबी डिशेज जो भी है प्रिपरेशन, पनीर प्रिपरेशन में पसंद करेंगे। तो हम चाहते हैं आप लोकेशन भी प्लीज़ बता दीजिए कि अगर आगे फैंस को यहाँ पर आना रहे तो वो एटलीस्ट लोकेशन उनको पता रहे। अंधेरी वेस्ट, वीरा देसाई अंधेरी वेस्ट में है, प्योर वेज शॉर्ट ऑर्डर रेस्टोरेंट। ओके, सो अब हम ऊपर चलते हैं। मैं मीत आपको चाहूँगी, आप बाद में आपके मुझे एंड में प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा स्टार के साथ। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और आपको मैं बताती हूँ वो कौन से स्टार हैं जिनका खुलासा मैं करने वाली हूँ जो आज टेली मसाला के साथ स्पेशली डिनर पे आए। चलिए, सो मैं जिस कपल की बात कर रही थी जिसको आप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन हमेशा देखना चाहेंगे और टेली मसाला पे तो स्पेशली देखना चाहेंगे, सो वो यहाँ पर हैं। तो आज आपने हमें फिर से पकड़ लिया, कैसे हैं आप? मैं तो आप लोगों को हमेशा ही पकड़ना चाहती हूँ, पर हाथ बहुत मुश्किल से आते हैं ये दोनों। देखो हम छुप के घूमते हैं। आज आ गए हैं, तो आज स्पेशली हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि ये नए प्रोजेक्ट के साथ भी नज़र आने वाले हैं, वो खुलासा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। सो सबसे पहले तो हम कहाँ आए हैं और क्या स्पेशली आप लोग यहाँ का खाने वाले, क्योंकि प्योर वेज रेस्टोरेंट है क्या? यस, आज वेज का मजा लीजिए। ये तो एक सरप्राइज है, ये तो एक सरप्राइज है बहुत बड़ा, क्योंकि हम दोनों नॉन वेजिटेरियन हैं। प्योर वेज में क्या खाएंगे? और मैं तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूं। नहीं, ये पहले क्यों नहीं बताया? ये स्पेशली मतलब यहाँ के पंजाबी फूड बहुत ज्यादा फेमस है, तो पंजाबी में तो नॉन वेज होता है। नहीं, तो आज वेज ही हम खा लेंगे। चलो आज देखो, ये पनिशमेंट दे रही है बिकॉज इतने टाइम बाद हम मिले, तो इसे सोचा कि आज मैं बदला ले लूं और आज मैं इनको वेज खिलाती हूँ और बिना बताए। कोई नहीं स्वीटहार्ट, आज घास फूस ही खा लेंगे। नहीं नहीं, पनीर टिक्का अच्छा है। हाँ, पनीर टिक्का खा। गाय जैसे सफ़ेद तुम वैसे ही हो, आज तुम वेजिटेरियन बन जाओ, आज तुम थोड़ा घास फूस चढ़ लो, ठीक है? भाई हमारे लिए तो एक पिज्ज़ा ला दो। कौन सा पिज्ज़ा बेस्ट है आपका? मरमन में आपको मोजरेला वेजी पिज्जा बेस्ट रहेगा, ऑल वेजिटेबल रहेगा उसमें, मोजरेला चीज़। अच्छा, थिन क्रस्ट है? मीडियम। मीडियम क्रस्ट है, ठीक है, तो एक अच्छा सा बना दो फिर वो, और उसमें ऑलिव्स मत डालना, है ना? ऑलिव्स मत डालना। आप एक टोमेटो सूप और वो टोमेटो सूप उसको वन बाई टू। हाँ, हम हर चीज आधी आधी खाते पीते हैं, तो 1/2 सूप में भी चलेगा। ना, ठीक है, कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा पुनीत बंदगी, आप लोग बहुत वक्त हो गया है, आप लोग ऐसे तो नजर आते हैं पर कभी आप लोग को ऑन स्क्रीन देखने का मौका जल्दी फैंस को नहीं मिल पा रहा है, तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर आप लोग काम कर रहे हो लॉन्ग में बताना? प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत ऑफर हो रहे हैं, बट अभी हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं, चूज ही हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम टीवी पे आएंगे, सो देखना चाहते हैं कि कौन सा कैरेक्टर पकड़े, अच्छा ले, नेगेटिव ले, ज्यादा टाइम लेने में कहीं टाइम ही ना निकल जाए। मेरा तो नहीं निकलेगा। मेरा अपनी टेंशन लो, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत इनके बारे में कुछ कहना। सो अभी हमने एक म्यूजिक वीडियो किया है मीट ब्रदर्स के साथ, और वन ऑफ द फेवरेट्स थे वो मेरे, स्टार्टिंग से जब वो उनका बेबी डॉल आया था तब से मैं उनकी फ़ैन हो चुकी थी, एंड मैंने तब सोचा था, तब मैं कॉलेज में थी, कि इनके साथ एक प्रोजेक्ट ज़रूर करूँगी फ्यूचर में, एंड सी। बहुत सालों पहले आई डोंट नो आप लोगों को याद भी है कि नहीं, मीत ब्रदर्स का एक गाना आया था जोगी सिंह बटाला सिंह आहो आहो, तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आज तो उनके क्या कहने, रेस 3 और सारी बड़ी बड़ी जितनी भी मूवीज़ हैं सब में मीत ब्रोस के ही गाने हैं, मीत ब्रोस का ही म्यूज़िक है,
आई थिंक दे आर द नंबर वन दीज डेज और पिछले 10 साल से हिट गाने बनाते आ रहे हैं तो हु बेटर देन द एक्सपर्ट और शूट से पहले बहुत मेहनत थी बहुत मेहनत लगी है Definitely. प्रैक्टिस में बहुत मेहनत थी और शूट में अच्छा दिखने के लिए भी बहुत मेहनत थी बहुत वर्कआउट किया बहुत डाइट का ध्यान रखा पर्टिकुलर डेज थे जब शायद मैंने तो पानी भी नहीं पिया है जी सच इसको बिल्कुल नो सॉल्ट डाइट पे भी गई है नो सॉल्ट नो वाटर और स्टिल प्रैक्टिस कर रहे थे और शायद मैंने एक एक ड्रॉप लिया पानी का बिकॉज अगले दिन शूट था और हमें वैसा दिखना है स्क्रीन पे सो बहुत मेहनत करी है और आउटकम भी बहुत अच्छा आया टच वुड अच्छा मैं अगर इससे अगर हट के बात करूँ तो टीवी पे आजकल सारे सब लोग आ रहे हैं टीवी पे अपना आजमा रहे हैं अपनी चीज़ों को तो आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कोई ऐसा शो करे आप लोग टेलीविजन पे जहाँ पे रोज़ ऑडियंस आपको देखे नहीं सोचा है ऐसा नहीं है बट आई थिंक अभी थोड़ा जोन डिफरेंट है अभी थोड़ा ऐसा भी नहीं कहूँगी कि पिकी हो रहे हैं बट या मैं चाहती हूँ एक बारी वो कैरेक्टर मिले जिसमें यू नो बहुत नेचुरली भी आप कर पाओ या फिर बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर मिले जिसमें मैं ना लगूँ और ऑपोजिट हो जैसे आलिया ने किया था इसमें उड़ता पंजाब में जिसमें आलिया नहीं थी लेकिन एक ग्लैमरस गर्ल से डिफरेंट गर्ल बन गई थी सो मुझे थोड़ा इस टाइप का रोल चाहिए सो मैं वेट कर रही हूँ उसका लेट्स सी अच्छा नागिन जैसा अगर शो ऑफर हो तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का रिएक्शन होगा क्योंकि आजकल नागिन डायन जो है ये सारी चीजें नजर आ रही नहीं देखो नागिन नंबर वन शो है Definitely. और एकता मैम नागिन इतनी सुंदर सुंदर लेके आती है कि आई थिंक किसी को शायद सांप ना भी पसंद हो तो भी वो देखेगा नागिन एकता मैम नेक्स्ट नागिन यही बैठी है देख लीजिए सुंदर तो ये भी है और मुझे बड़ा मजा आता है जब वो एक सुंदर सी लड़की आती है पीछे से पूंछ बन के आ जाती है उसकी तो मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि ये क्या हो रहा है पर डेफिनेटली अच्छा लगता है और दे हैव सो मच प्रीटी फेसेस और अनीता की तो मैं शुरू से फैन रही हूँ बचपन से देखती आई हूँ उनकी मैंने फर्स्ट मूवी वो कृष्णा गॉडेज देखी थी इनफैक्ट इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि शी इज वेरी प्रीटी एंड आई लव जो मोल है ना वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे सो करना चाहूँगी सी अगर कोई शो ऐसा हो जो इतना सुपर हिट हो और इतना अच्छा हो एंड यू लुक सो प्रीटी आपको अपने आप को टी वी पर देख के इतना अच्छा लगे तो डेफिनेटली मैं तो वेब सीरीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और ऑफर्स भी हैं मेरे पास खुलासे नहीं करने वाला मैं और जब हो जाएगा तब बातें करूँगा नहीं तो लोग करेंगे बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते तो वो अच्छा नहीं लगेगा अच्छा वेब सीरीज की बात अगर हुई है क्योंकि वेब सीरीज एक ऐसा है जहाँ पे बोल्डनेस एकदम खुल कर दिखाया जाता तो उसके लिए कितने ज्यादा कंफर्टेबल अगर मैं बंदे की आपकी बात करूँ पुनीश आपकी बात मतलब मेरे को एक बात बोलनी है पहले कि जितने मर्जी इंटरव्यूज कर लो लेकिन जो मसाले होते हैं ना जो हर एक डायलॉग में और एक लाइन में होते हैं जो हर चीज की हेडिंग के नीचे पता है फर्स्ट लाइन क्या डालनी है वो तो आप ही को ही पता है हम घर से अभी एक मिनट हम घर अभी जब हम घर से निकले हैं तो हम दोनों ये बात करके निकले हैं कि नेहा आएगी ना ये हमारे पास कई क्वेश्चन हैं ये सवाल नेहा पूछ लेगी हमसे जरूर हाँ जरूर पूछेगी जो अभी न्यूज में चल रहा है नहीं सो वेब सीरीज में बोल्डनेस है देखो जहाँ तक मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वही ऑप्ट करूँगी जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं उस वेब सीरीज़ के लिए नहीं जाऊँगी डेफिनेटली बिकॉज जैसे मैंने बोला जो रोल मुझे चाहिए अगर मुझे मिलता है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं भी मिलता है तो भी अगर स्टोरी के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है तो आई विल डू इट देखिए बोल्डनेस का लेवल देखना पड़ेगा क्या लेवल है कई चीज़ें होती हैं सिर्फ आपकी बातों में बोल्डनेस कई चीज़ें होती हैं आपके एक्ट में बोल्डनेस तो ये दोनों एक बहुत ही अलग इम्पैक्ट छोड़ती हैं अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ की ऑफ़र है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ अगेन वो इसी बात पे मैं थोड़ा हेजिटेंट हूँ कि ये एक डबल मीनिंग वेब सीरीज़ है उसमें मतलब डबल मीनिंग है हर बात में तो वही मैं funny. हाँ फनी नॉट तो अच्छा है मेरा मैं मुझे इंटरेस्ट भी है उसमें तो मे बी आई विल टेक दैट प्रोजेक्ट और एज फार एज बहुत ज़्यादा बोलने इसकी बात है तो हाँ बंदगी के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ हम दोनों को अगर कोई साथ में बोल्ड रोल ऑफर होता है देन वी आर ओके बट डेफिनेटली कई वेब सीरीज आजकल अपनी लाइंस क्रॉस कर गई हैं वो हमें समझ नहीं आती तो मैं इसमें एक सवाल और कि जहाँ सब जानते हैं पुनीश कि आप बंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं बहुत नज़र आता है आपको देखकर तो अगर कभी बंदगी ने ऐसा कुछ ऑफर सिलेक्ट किया जो आप नहीं चाहते हैं बंदगी करे वेब सीरीज जैसा क्या कहना चाहेंगे रोक पाएंगे या बंदगी आप अपने टर्म्स पे खड़े लड़ाई कर देखो 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 बंदगी बहुत समझदार और अच्छी
लड़कियाँ ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, मैं कोई भी नहीं हूँ इनके डिसीजंस के बीच में बोलने वाला। हाँ ये, और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मेरे बारे में सोचती हैं, तो डेफिनेटली अगर ये ठीक समझेंगी उसको तो करेंगी। और वैसे ये स्टेटमेंट गलत थी कि मैं कोई भी नहीं बोलने वाला, ये है तो, बट ही नोस कि मैं खुद ही नहीं वो चीज़ लूँगी, बिकॉज़ अभी तक तो ये जान चुका है। और अगर छूट, बट ऑलमोस्ट आई थिंक एक साल कंप्लीट होने वाला है, हमें खुद ही नहीं विश्वास। थू नजर मत लगाए कोई बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला आने वाला है, और ये हमें भी नहीं लगता, हमें लगता है अभी खत्म हुआ था, और शायद आपको भी नहीं लगता होगा कि एक साल हो गया और खत्म हो गया, दूसरा शो आ गया। सो आई थिंक अभी तक तो अच्छी तरीके से जान गया है, और लकीली मुझे अभी नहीं, पहले जब मैं स्कूल कॉलेज और यहाँ जॉब करती थी तब भी ऑफर आते थे, तो तब भी मेरी सिलेक्शन ऐसी ही थी जैसी आज है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है कि हाँ शो कर लिया है, वो सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क होता है, आपका पर डे क्या है बस। लेकिन मेरी सिलेक्शन उस मैटर में आज भी सेम ही है कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। अच्छा, जैसे आप लोग ने कहा एक साल हो चुका रिलेशन, जब कहीं ना कहीं एक साल कंप्लीट होने वाला है, मुझे पता है पहली मसाला जरूर आएगा। हाँ भाई लोगों, नकली रिलेशन एक साल चल गया, ओ माय गॉड। कितने ज्यादा चेंजेस आप दोनों अपने रिलेशनशिप में देखते हैं, क्योंकि एक साल हो चुका है एक दूसरे के साथ, आप लिविंग पे रह रहे हैं, इट्स ग्रोइंग, हमारा रिलेशन ग्रो कर रहा है, टचवुड, बाय द मिनट इट्स ग्रोइंग हेल्दी, और बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, और ऐसे लगता ही नहीं है, मैं बोलती रही हूँ मुझे तो लग भी नहीं रहा है एक साल हो गया। मतलब हमें तो अभी ऐसे लगता है अगर अपनी क्लिप्स देख रहे होते हैं कि अभी तो ख़त्म हुआ था, इट डजंट फील कि दूसरे के ऑडिशन हो गए, एंड अगस्त आने वाला है, अगस्त के बाद सितंबर में शो आ जाएगा, और पिछले सितंबर हम अंदर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। आई एम श्योर आपको भी नहीं लगता होगा कि एक साल हो। और पता है क्या है, समय का कैसे पता चलता है कि अच्छा समय है, क्योंकि वो जल्दी से बीत जाता है, जब टाइम बुरा होता है ना तो धीरे 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 निकलता है, अच्छा टाइम शट करके निकलता है, तो अभी हमें पता ही नहीं लगा एक साल कैसे हो गया, तो डेफिनेटली टाइम अच्छा ही चल रहा होगा, टचवर्ड भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। ठीक है, अब आपको फूड एंजॉय कीजिए, हम बाकी बातें ठीक है। बहुत ही अच्छा डिनर था, बस वेजिटेरियन था, और टेरी मसाला जैसा इनका नाम है, मसाले वाला खाना खिलाया इन्होंने हमें, बहुत मसाले वाला खाना भी, और मसाले वाली न्यूज़ भी दी भी, और ली भी, और मसाले वाली नेहा भी। सो बहुत मज़ा आया, और अब हम जा रहे हैं एक दूसरे सेक्शन की तरफ, सो लेट्स गो। बम डिगिरी बम बम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था, रियली नाइस, और आपका गार्लिक पनीर बहुत अच्छा लगा हमें। होम डिलीवरी करते हो? वेरी नाइस, नेक्स्ट टाइम हमें नेहा की जरूरत नहीं है। और आप प्लीज हमें पहचान लेना अगली बार कि हम नेहा के साथ आए थे, और हमें थोड़ा डिस्काउंट भी दे दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ये चांस दिया यहाँ पर आके ये करने का। थैंक यू गाइज, वी लव यू ऑल।